आई एम इशिता किशोर. आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम एफओएस बाल भारती स्कूल न्यू दिल्ली. आई एम ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी. And I've been an active sports person across my life. Three attempts and I failed prelims two times. So it I've had my setbacks, but it has been a long journey. थोड़ा patience चाहिए होता है and अपनी strategy को constantly evaluate करते रहिए, अपनी weaknesses पे constantly काम करते रहिए, वही best तरीका है. MGB program में बहुत timely check होके copies मिल जाती थी और एक direction मिल जाता था, तो उससे बहुत help हुई क्योंकि हम paper दें और हमें तुरंत मिल जाए. उस टाइम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें बहुत हेल्प हुई. एंड आयुष सर से मैंने फिर सेशंस भी बुक किए थे, तो उन्होंने पर्सनली भी गाइड किया. मतलब सुबह तक तो मैं खुद एक एस्पिरेंट थी जो कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ रही थी. एंड अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस रखे. मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि आखिरी कुछ दिनों में मैं यूपीएससी के क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे फोकस रखूँ और बेसिक बुक्स पॉलिटी इकोनॉमी और हिस्ट्री अच्छे से रिवाइज कर लें. मेंस का यही है कि आप सिलेबस प्रिंट करिए और आप हर वर्ड पे फोकस करिए और आप अच्छे से एनालाइज करिए कि इस और हर वर्ड का नोट्स बनाएं. तो मैंने वो किया था पेपर वन हो या टू हो. पेपर वन का बहुत सिलेबस प्रीलिम्स से कवर हो जाता है और पेपर फोर के लिए आई थिंक यू हैव टू बी वेरी अवेयर. कीप ऑन रीडिंग अबाउट द पीपल हु आर डूइंग वेल. देयर वर टू थ्री वेबसाइट्स दैट आई वाज फॉलोइंग फॉर गुड स्टोरीज एंड अब मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा कि मैंने क्या सही किया क्या गलत किया, क्योंकि मेरा भी पहला मेंस था. मेरा पहला मेंस था तो मैं मार्क्स आने से ही बता सकती हूँ कि बट ऐसे में भी ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ट्राई टू मेक इट मोर रियलिस्टिक and try to connect with the reader. So I used to send my essay to my cousins and to my family ki unko padh ke kya samajh aa raha hai main kya bata rahi hu. To mere cousins ne bhi bahut help ki, wo 10 10 20 20 pages ka essay padh ke mujhe batate the ki ye to hame samajh hi nahi aaya. To I was able to connect with the reader more. Interview ke pehle us class mein bahut help hua tha and usse jo ek list mil gayi thi important topics ki aur basic baatein, तो उससे बहुत हेल्प हुआ था. तो आयुष सर ने भी पर्सनल गाइडेंस दिया मेरी आंसर कॉपीज देख के, तो वो हेल्पफुल था. तो इसलिए प्लीज टेस्ट दीजिए एंड पीपल आर विलिंग टू हेल्प यू तो हेल्प मांगिए. फोरम आईएएस ने बहुत मतलब डिसिप्लिन वे में टाइमली चेकिंग की है और बहुत अच्छा सिस्टम लगा मुझे कि सब कुछ टाइमली हो जाता है एंड टेस्ट मेंस की टेस्ट में मुझे काफ़ी हेल्प हुआ.